उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा छोड़कर 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने हमारे यूपी ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी से बातचीत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्द प्रत्याशियों की घोषणा होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 9 सीटों की घोषणा कर दी है। हालांकि मिल्कीपुर चुनाव आयोग ने अभी घोषणा नहीं की है, जल्द ही मिल्कीपुर चुनाव आयोग सीट का घोषणा कर देगा। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान जी। सचान जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 9 सीटों की घोषणा हो चुकी, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा संगठन बूथ स्तर तक है जी। और डबल इंजन की सरकार तीसरी बार माननीय मोदी जी को देश की जनता ने आशीर्वाद देके प्रधानमंत्री बनाया है जी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इन दोनों सरकार की जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बेहतर कानून व्यवस्था, लोगों की सुरक्षा और लगातार लोगों में ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे प्रदेश का और देश का विकास कर सकती है। ये 10 के चुनाव जहां घोषणा 9 की हुई है, इन सारे चुनाव को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, सेक्टर स्तर के नेताओं को मिल करके हम लोग करेंगे और पूरी मजबूती के साथ 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आपको नहीं लगता विलंब हो रहा है? समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के नामों की घोषणा की, आज 1 सीटों के और नाम की घोषणा कर दी, अभी आपके तो प्रत्याशियों का नाम ही नहीं उजागर हुआ। देखिए, हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और यहाँ सब नीचे से तय होकर के टिकट होते हैं। 13 तारीख को चुनाव है, 23 को काउंटिंग है और प्रक्रिया चुनाव की अभी आनी बाकी है और उसमें पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, इनके यहाँ टिकट तय भी हो जाते हैं और कब बदल जाएगा ये भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक बार जब टिकट फाइनल हो जाता है फिर बदलता नहीं है। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द ही नेतृत्व टिकट तय कर देगा और पूरी मजबूती के साथ कार्यकर्ता, चाहे हमारा मंडल स्तर का हो, चाहे बूथ का हो, चाहे सेक्टर का हो या पन्ना प्रभारी हो, सभी नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़ते हैं। तभी आपने देखा विपक्ष तो लगातार कहता रहा हरियाणा में कि कहीं है ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास तोड़ा, तीसरी बार कार्यकर्ताओं के बल पर, जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार वहाँ का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना है। यहाँ पर भी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। फूलपुर आप प्रभारी भी हैं और लगातार फूलपुर पे दबदबा समाजवादी पार्टी का रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी का, आप लगातार क्षेत्र में गए हैं, जनता का क्या रुख है? देखिए, फूलपुर में हमको प्रभार का दायित्व तो दिया है और मैं लगातार वहाँ पर सभी मोर्चों के, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा और अपने व्यापारी संगठन के लोगों के साथ, तो जितने भी कार्यकर्ता हैं मंडल स्तर तक की मीटिंगें हो गई हमारी, बूथ स्तर में भी हमने सेक्टर तक के लोगों को बुला करके बातचीत कर ली, तो पूरी तरह से हमारी तैयारी है, रिव्यू है और हमारे सदस्यता अभियान एक बड़ी जोरों से चल रहा है, जिस जो सदस्यता भी हो रही है, एक जनसंपर्क का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो फूलपुर में पूरी तैयारी है और निश्चित तौर पर फूलपुर का चुनाव हम लोग कार्यकर्ताओं के, नेताओं की सब एकजुटता से चुनाव फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश यादव का आज एक बयान आया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, पीडीए गठबंधन लड़ाई लड़ रहा है और जीतेगा, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेगा जब उसकी सरकार आएगी, बहराइच का भी उन्होंने। अभी ये उपचुनाव है, यहाँ न सरकार जीतने से बिगड़नी है न बननी है। इन 9 सीटों के चुनाव में
कोई ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव सत्ता में आ जाएंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये रहेगी, और वो जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो, कभी प्रदेश की जनता उनके सपने पूरे करने वाली नहीं। सब जानती है कि उनके कार्यकाल में कितनी अराजकता होती है। यहाँ कानून व्यवस्था जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में चुस्त और दुरुस्त है, लोगों को, आम आदमी सुरक्षित है। अगर कहीं कोई गुंडा बदमाश कोई ऐसी घटना करता है तो उसको सख्त कार्रवाई की जाती है। तो लोगों में दहशत है, ऐसा नहीं है। वो कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर प्रत्याशी नहीं घोषित हुए, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और प्रभारी मंत्री लगातार क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत का दावा कर रही है, वहीं अखिलेश यादव भी अपनी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि ये 10 सीट किनके अधिकार में जाएगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश